दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं है अभय शर कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सबसे वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, आतुल्य ऐप किससे संबंधित है? भारत सरकार ने आतुल्य ऐप लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है कि यह किस विभाग से संबंधित है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आतुल्य ऐप किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पर्यटन। ठीक है, आतुल्य ऐप आपका पर्यटन से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, SET स्टैंड फॉर, बताइए सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बहुत सारे फुल फॉर्म्स ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस फुल फॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, जिसकी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जोड़ा जा सकता है, बताइए। जैसे आप एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का यूज करते थे, वैसे ही लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत इंप्रेस भी आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, स्लाइड्स होती हैं, तो इसके अंतर्गत हम .wma, .wmv और .mpeg ये सभी फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्या होता है और ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और इसको ओपन करने के लिए हमें प्रेस करना है Ctrl+1। Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहाँ पर नंबर्स का ऑप्शन दिया गया है, फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शंस, मीन्स इतने सारे वर्क आप फॉर्मेट सेल के द्वारा कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप आसानी से ये सारे वर्क कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी को परसेंटेज में चेंज करना है, करेंसी में करना है, डेट में, टाइम में, जिसमें भी चेंज करना है, आसानी से यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+1। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि उबंटू है क्या। दोस्तों जैसे आप एमएस ऑफिस का यूज करते हैं वैसे ही जैसे आप विंडोज का यूज करते हैं वैसे ही आपका होता है उबंटू। उबंटू भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जैसे आपका विंडोज है, तो उबंटू को किसी प्रकार की एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, तो हाँ बिल्कुल सही है, उसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स को जोड़ा जा सकता है, बताइए। दोस्तों फेसबुक का उपयोग आप सभी लोग करते हैं, तो फेसबुक में अधिकतम 5000 लोगों को हम फ्रेंड्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेसबुक से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो कौन है फेसबुक के फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग। नोट कर लीजिएगा, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर।
फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो फेसबुक पर एक बार में मैक्सिमम 30 वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब भी ये क्वेश्चन आता है तो उसके साथ में जो भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछ जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद बात आती है फेसबुक पेज की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं या फिर नहीं, ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात होती है मल्टी एडमिन क्या है। तो मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन। आपने कोई पेज बनाया है, आप किसी और को भी एडमिन बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ का आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी और को एडमिन बनाते हैं तो आप जो काम पेज पर कर सकते हैं वही सेम काम एडमिन भी कर सकता है। मीन्स दोनों के वर्क सेम हो जाएंगे, आपका पूरी तरह से कमांड उस पर नहीं रहेगा। ठीक है, जो काम आप कर सकते हैं वो काम दूसरा एडमिन भी कर सकता है। अब नेक्स्ट, इक्वल मॉड 25.6 का मान कितना होगा। ट्रिपल सी में बहुत सारे फार्मूले पूछे जाते हैं, तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। अब यहां पर बात हो रही है मॉड की, तो मॉड फार्मूले का क्या उपयोग है पहले आप ये समझ लीजिए। तो मॉड फार्मूले का हम उपयोग करते हैं शेषफल जानने के लिए। ठीक है, तो इक्वल मॉड कोई भी फार्मूला है, किस साइन से शुरू होता है, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है, तो इक्वल साइन से शुरू होता है और बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा। 25.6, अगर आप 25 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24 होता है, तो कितना रिमाइंडर होता है 1। ठीक है, तो इसके द्वारा आप शेषफल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड 1। अब नेक्स्ट, जब हम किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या फिर नहीं। बहुत बार आपने अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बहुत सारे फोल्डर्स कॉपी किए होंगे। दोस्तों जब आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो वहां पर वह पूरा फोल्डर कॉपी होता है। फोल्डर क्या है, कई फाइलों का एक मिश्रण होता है ना। तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं, चाहे एक फाइल हो चाहे हजार फाइल हो, सारी फाइलें आपकी उसी के साथ में कॉपी हो जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जब फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर कभी कॉपी होता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, हाँ कॉपी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, डक डक गो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डक डक गो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग 12 साल पहले डक डक गो को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 12 साल पहले का मतलब कब, लगभग 2008 में, और है क्या ये आपका सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों अनुराग नाम से पता ही चल रहा है कि ये भारत का ही हो सकता है, अधिकतर भारत में ही ऐसे नाम पाए जाते हैं जो काफ़ी सुंदर होते हैं। तो अनुराग भारत का ही एक सुपर कंप्यूटर है, ये बिल्कुल आपका सही है। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछाते हैं, इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, सही से पढ़िएगा और एग्जाम में टॉप करिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2000 प्रश्नों की पीडीएफ की लिंक दी है, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके एग्जाम में लगभग 60 से 80 क्वेश्चंस उस पीडीएफ से आसानी से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, बेसिक का अर्थ शुरुआती सभी निर्देशों का प्रतीकात्मक कोड है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल राइट होगा, बेसिक का अर्थ शुरुआती सभी निर्देशों का प्रतीकात्मक कोड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर मैंने सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था। तो बातचीत को सरल बनाने में आईटी गैजेट सबसे ज्यादा उपयोगी है और इसी का योगदान है। पहले क्या है कि आप बातचीत करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए उस व्यक्ति के पास हमें जाना होता था, या हम पत्र के माध्यम से संवाद स्थापित करते थे। पत्र को भेजने में महीनों का समय लग जाता था, कभी कभी तो वह पत्र पहुंचता ही नहीं था, या उस कार्य के हो जाने के बाद वह पत्र पहुंचता था।
लेकिन आईटी गैजेट्स के कारण ही आज आप घर बैठे इसी समय दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। तो बातचीत को सरल बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? आईटी गैजेट्स का। एजुकेशन के सेक्टर में भी आईटी गैजेट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो यह भी आईटी गैजेट्स की ही देन है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सफारी किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, बताइए। अब यहाँ पर बात तो सफारी कार की नहीं हो रही है, है ना, जिससे आप सभी लोग घूमते हैं, बहुत सारे लोगों के पास है भी। तो सफारी यहाँ पर एक क्या है, ब्राउजर है। तो एक चीज़ यहाँ से आपको और याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सफारी क्या है, तो सफारी आपका एक वेब ब्राउजर है। और किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, तो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। नोट कर लीजिएगा, एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, इसीलिए इसे एप्पल सफारी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की। तो एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, या आप कहें विंडो के साथ में, कौन सा वेब ब्राउजर फ्री में मिलता है? तो कौन सा मिलता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल फ्री मिलता है विंडो के साथ में, जिसे ना ही हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, भीम का पूरा नाम क्या है, बताइए। फुल फॉर्म ऑफ भीम, भीम काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। नोट कर लीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप क्यों लॉन्च किया गया था? तो बैंक टू बैंक डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो नोटबंदी के बाद लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि भीम ऐप के द्वारा आप एक बार में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो जब पूछता है एक बार में, तो एक बार में आप 20,000, और जब पूछता है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 40,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखिएगा, एक बार में 20,000 और 24 घंटे में 40,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, बताइए। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस डॉस है। ठीक है, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो CUI बेस्ड था। अब CUI क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है CUI का फुल फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सारे लोग विंडोज 7 का यूज करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज 10। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडोज का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज 10 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख लेते हैं प्रीवियस क्लासेस में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, उन क्वेश्चंस का सबसे पहले आंसर किसने दिया है, और आज भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, उन क्वेश्चंस का सबसे पहले आंसर दिया है शिवानी श्रीवास्तव जी ने, ममता जी ने, साक्षी अग्रहरी जी ने, हर्षिता साहू जी ने और हिमांशु जडेजा जी ने। सबसे पहले इन 5 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हमारा था कि मॉनिटर और माउस का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था, तो दोनों का आविष्कार 3rd जनरेशन में हुआ था। अब जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस ब्लॉक या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक हेडर और फुटर ईमेल के 2 मुख्य भाग हैं, ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए ताकि आपका नाम कल की क्लास में सबसे टॉप पे आए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।